नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो लास्ट वीक में अक्टूबर खत्म हुआ और नवंबर स्टार्ट हो गया, और इस वीक में हमको काफी सारी एआई अपडेट्स देखने को मिली कि जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीक में दिवाली भी है, तो आप सभी को एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट देखने को मिली हमको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के स्टूडेंट के लिए एक एआई टूल बनाया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है कि शिक्षा कोपायलट। तो जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन आंसर कर सकता है, और इजिली ये चैटबॉट हमको उसके आंसर देता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये टूल हमको करके देगा। Let's walk through the process of creating a lesson plan with Shikshak Copilot. To get started, simply select your curriculum, language of delivery, grade and subject along with the topics you wish to cover. Upon selection, Shikshak Copilot will present you with carefully curated learning outcomes for each topic, which can be modified as per your needs. It can also go beyond traditional content generation by providing real-world examples, hands-on activities, and relevant videos. So, मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अपने ग्रेड को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। और आप यहाँ पे अपनी पर्सनल सेटिंग भी कर सकते हो कि जैसे कि आपको कौन कौन से फॉर्मेट में कंटेंट चाहिए, जैसे कि वीडियो फॉर्मेट चाहिए, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में चाहिए, और ये उसके रिलेटेड आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके आपको आंसर दे देगा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन स्टूडेंट के लिए। सेकेंड अपडेट हमको देखने को मिली गूगल की तरफ से। तो गूगल ने अपने मैप्स के अंदर एक नया एआई फीचर ऐड करा है, जिसमें उन्होंने उसका नाम दिया है इमर्सिव व्यू। तो लेट्स से कि अगर आप कोई यहाँ पे साइकिलिंग करते हो, तो यहाँ पे वो उसका एक 3D आपको राउट दे देता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हो कि पूरा आपको यहाँ पे एक 3D राउट मिलेगा, कि जिसको आप इमर्सिव व्यू मतलब कि एक ईगल आई के व्यू में देख सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे गूगल लेंस का भी हमको सपोर्ट मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे अपने सराउंड की कोई भी चीजें स्कैन करके वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे होटल है या तो फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट है। बट इंडिया में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ये फीचर दूसरी कंट्री में अवेलेबल है, जैसे कि एम्स्टरडेम, बार्सिलोना, डुबलिन। मतलब इंडिया के लिए ये फीचर अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, बस शायद फ्यूचर में हमको ये अपडेट इंडिया में देखने को मिले कि जिसकी मदद से हम यहाँ पे 3D में उस मैप को एक्सपीरियंस कर सके और इजीली अपने सराउंड की चीजों को स्कैन करके वहाँ पे फाइंड आउट कर सके। तो एक रिपोर्ट में हमको देखने को मिला कि एआई की मदद से इंडिया में 4.7 मिलियन न्यू टेक जॉब्स आने वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ पे रिपोर्ट में देख सकते हो कि 2027 तक इंडिया में 4.7 मिलियन से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी जो एआई रिलेटेड होगी। तो ये रिपोर्ट में दिखाया गया है कि एआई की मदद से हम जो ऑटोमेशन करते हैं उसके रिलेटेड काफी सारी जॉब यहाँ पे निकल के आने वाली है। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी में हो तो वहां पे काफी सारा ऑटोमेशन होता है, जैसे कि अगर किसी को मैसेज करना हो या तो फिर किसी को मेल करना हो या तो फिर आपकी वेबसाइट में से कोई भी लीड जनरेट हुई तो उसको आप कैसे प्रोसेस करो, तो वो भी आप सब कुछ एक एआई की मदद से करवा सकते हो। तो उसके रिलेटेड काफी सारी यहाँ पे जॉब्स इंडिया में आएगी। तो होप करते हैं कि ये रिपोर्ट की बात सही हो और हमको वाकई में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि जिसकी मदद से हम एआई का यूज करके काफी सारी जॉब को सिंप्लीफाई कर सके। तो अभी हम जॉब की बात कर रहे थे, बट नेक्स्ट अपडेट में हमको देखने को मिला कि यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड एआई सेफ्टी समिट हुई, कि जिसमें काफी सारे बड़े बड़े लोग जैसे कि चाइना, यूएस, ईयू, इलोन मस्क और काफी सारे ऐसे मेन जो पायनियर्स है एआई के, उन सबको मीटअप करा गया और वहां पे डिस्कस करा गया कि कैसे AI को सॉल्व कर सके, कैसे हम AI की सेफ्टी ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे इलोन मस्क ने सजेस्ट करा कि AI के ऊपर एक थर्ड पार्टी रेफरी होना चाहिए, कि जो AI के ऊपर अपनी पूरी वॉच रखे और अगर कोई रूल ब्रेक हो रहा हो तो वो उसको सबको नोटिफाई करे। तो नेक्स्ट अपडेट में हमको देखने को मिला कोरा का जो पोई चैटबॉट है उससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चैटबॉट में आप अपने कस्टम कोई भी चैटबॉट बना के उसको शेयर कर सकते हो और वहां से आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो इस चैटबॉट से अर्निंग करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। जैसे कि अगर आपके बॉट के थ्रू कोई भी यूजर पोई का एक सब्सक्राइबर बनता है तो उसके पेड प्लान में से आपको कुछ रेवेन्यू मिलेगा, अदरवाइज आप अपने यहाँ पे बॉट में एक चार्जिंग फी रख सकते हो। जैसे कि कोई भी मैसेज सेंड करे तो उसको थोड़ी सी एक फी देनी पड़ेगी, तो वो फी जो मिलेगी वो भी आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो इसकी मदद से एआई चैटबॉट बना के भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो ये जो अर्निंग फैसिलिटी है वो सिर्फ अवेलेबल है यूएस में। और चैट जीपीटी की तरफ से हमको ये अपडेट देखने को मिला कि अगर आप एक पेड मेंबर हो चैट जीपीटी के, तो आप अभी चैट जीपीटी में जो मॉडल पहले सिलेक्ट करते थे GPT-4 की टैब में जाके अलग अलग मॉडल सिलेक्ट करने थे, वो अभी आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई भी मैसेज वहां पे सेंड करोगे तो चैट जीपीटी अपने आप से वो डिकोड करेगा कि आपको क्या चाहिए और वहां पे जो कोई भी अच्छा मॉडल होगा वहीं से ही आपको वो रिजल्ट लाके दे देगा। नेक्स्ट अपडेट हमको देखने को मिली रनवे की तरफ से। तो रनवे ने अपना जेन 2 मॉडल भी लाइव कर दिया है, जिसमें आप टेक्स्ट टू वीडियो या तो फिर इमेज टू वीडियो बना सकते हो। और ये वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा ये वीडियो एआई से बना है, कि जिसको देख के हमको नहीं लगता कि ये वीडियो एआई से बना होगा। अगर ये वीडियो मैं किसी को भी रेंडम दिखा दूं
तो वो नहीं बता सकता कि ये वीडियो एआई से बना है, इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी और इतने अच्छे एंगल के साथ ये वीडियो बनता है कि जिसको आप बाइफरगेट नहीं कर सकते कि ये किसने बनाया है। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट टू वीडियो बनाना है या तो फिर इमेज टू वीडियो बनाना है तो आप यहाँ पे रनवे एमएल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो काफी टाइम से मिड जर्नी की तरफ से हमको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली थी, बट फाइनली हमको मिड जर्नी की तरफ से भी एक नया फीचर फ्लैग देखने को मिला जिसका नाम है स्टाइल ट्यूनर। तो अभी मिड जर्नी में आप अपने कस्टम स्टाइल बना सकते हो और कोई भी आप नया इमेज यहाँ पे जनरेट करोगे तो वही स्टाइल आपको उस इमेज में देखने को मिलेगी। तो जैसे कि उसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा स्लैश ट्यून और वहां पे आपको अपनी स्टाइल डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग पूछेगा कि जिसको आपको अपने हिसाब से कर लेना है और फिर आपको सबमिट करना है। तो इसके बाद आपको एक यहाँ पे लिंक मिलेगी कि जिसको आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करी होगी उसके यहाँ पे आपको काफी सारे इमेजेस के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे कि जिसको आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता जाऊंगा तो यहाँ पे मेरी एक आईडी बनती जाएगी। तो अभी आपको इस आईडी को यूज करना है अपने इमेज जनरेशन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी अपना एक इमेज जनरेट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप लिखोगे स्लैश इमेजिन, फिर आप यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट ऐड करोगे और फिर -- स्टाइल करके वो आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो जो भी आपका नया इमेज जनरेट होगा वो उसी सेम स्टाइल के अंदर जनरेट होगा। तो अभी आप अपने इमेज को इजीली स्टाइलाइज कर सकते हो, इजीली अपने स्टाइल के हिसाब से कोई भी इमेज जनरेट करवा सकते हो कि जिसको आप मिड जर्नी के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये थे पिछले वीक के कुछ धमाकेदार एआई अपडेट्स। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, वंदे मातरम।